साथ विजय यादव। बांदा जिले के बिसंडा ब्लॉक के सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही उजागर हुई है, जिसके चलते लॉकडाउन में गरीब परिवार सरकारी कर्मचारियों को पाने से सरकारी योजनाओं को पाने से वंचित हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा गरीब ग्रामीण मजदूरों को लॉकडाउन में उठानी पड़ रही है। लापरवाही के कारण आर्थिक तंगी से लगभग हजारों की संख्या में ग्रामीण भुखमरी के करीब पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के चलते राज्य में कोई भूखा ना रहे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया था कि विश्वकर्मा सम्मान की श्रेणियों में आने वाले नाई, दर्जी, मोची, कुम्हार, लुहार, बढ़ई के खाते में 1,000 रुपए डाले जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा था कि अंत्योदय की भावना के साथ सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। साथ ही 30,000 परिवारों का विवरण होने का दावा भी किया गया था और भरण पोषण के लिए 1,000 रुपए उनके खाते में बता दिया जाएगा। साथ ही राशन भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। सरकार की ओर से ऐसे परिवारों के सर्वे के लिए बाकायदा नगर पंचायतों से फॉर्म भी भरवाए गए और सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं की, जिसकी वजह से लोगों को भरने के लिए घर घर दिए गए फॉर्म उनके पास ही रह गए और बहुत से गरीब पात्रों को जानकारी भी नहीं हुई। सरकारी कर्मचारियों ने अपने चहेतों रिश्तेदारों को लाभ दिलवाने के लिए कर्मचारियों ने उनका नाम इस योजना से भेज दिया और पात्र ग्रामीण हाथ मलते रह गए। बिसंडा नगर में भी इस सर्वे के काम के लिए नगर पंचायत से शशिकांत यादव को लगाया गया, जिन्होंने इस विकट संकट की घड़ी में नगर के लोगों के साथ छलावा कर लापरवाही के साथ आनन फानन में सर्वे रिपोर्ट शासन को भेज दी, जिसके कारण हजारों लोग इस योजना का लाभ पाने से वंचित रहे। बिसंडा के दसवत थोक मोहल्ले के परिवारों ने कर्मचारियों की लापरवाही के खिलाफ अपने मोहल्ले में प्रदर्शन किया, साथ ही शासन प्रशासन से जांच कर दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। बांदा से ब्यूरो उमेश यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम हरिओम है, हरिओम विश्वकर्मा। किस जगह से हैं? बिसंडा। बिसंडा ये कौन सी जगह है? ये अजदो थोक है। किस प्रकार की क्या समस्याएं हैं यहाँ? सर यहाँ हमें भुखमरी को सरकारी कोई भी चीज मिलता है, यहाँ ना राशन मिल रहा है ना पैसे मिल रहा है। जो सरकार की तरफ से योजना आई थी 1,000 रुपए की, वो भी नहीं मिल रहा है। जो फार्म भरे गए थे वो फार्म नहीं यहाँ किसी के भरे गए हमारे यहाँ थोक में। आपके यहाँ किसने फार्म भरवाए थे? ये शशिकांत, उन्होंने भरा था लेकिन यहाँ मोहल्ले में नहीं भरा गया किसी का। जो भरे भी थे तो फाड़ के फेंक दिए गए हैं। क्यों फाड़ के फेंक दिए गए? अब ये वो जाने वो उन्होंने पता नहीं क्या किया, यहाँ किसी ने पैसे नहीं आया। क्या आपने इसकी शिकायत कहीं की? नहीं, शिकायत हमने नहीं की क्योंकि कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है किसी को। तो आपको यहाँ किस प्रकार की समस्या आ रही है? यहाँ पैसे नहीं है 1 रुपए किसी के पास खाने के लिए, ना तो सब्जी है, ना तो राशन है, ना तो तेल है, कुछ भी नहीं है। जी क्या नाम है आपका? ममता विश्वकर्मा। कहाँ रहती हैं? बिसंडा। बिसंडा में रहती हैं। अच्छा, कैसी समस्या है आपके पास? ना मेरे पास राशन कार्ड है, ना विधवा पेंशन मिलता है, ना तो मेरे पति को 2015 में ही खत्म हो गए थे, 5 साल हो गए हैं, कुछ भी मेरे को सुविधा नहीं मिलती है। बीमारी थी उनको, सीने उठता था, बुखार आता था, बोल रहे थे हड्डियों में बुखार है, कहीं कुछ ऐसे ही पता नहीं चला क्या कैसे, दवा कराते कराते ही देखते थे। राशन भी नहीं है मेरे पास।